विधानसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी तारीख को राजनीतिक दलों के प्रत्याशी समर्थकों के साथ जुलूस लेकर अपना अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन दाखिल करने की होड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आए जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि बड़वारा के पूर्व विधायक मोतीलाल कश्यप ने कुछ दिन पहले ही भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था और बहोरी बंद में टिकट ना पाने से नाराज हुए थे। वहीं दूसरी तरफ नेता शंकरलाल महोते जो साइकिल पर सवार होकर मैदान में उतर गए हैं, वहीं कटनी विधानसभा की बात करें तो भाजपा ने महापौर प्रत्याशी ज्योति विनय दीक्षित को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन हार के बाद प्रत्याशियों में समाज सेवा करने का जज्बा इस कदर बढ़ गया कि भाजपा से बगावत कर इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे मुद्दे रहेंगे आगे के लिए, जिसमें से शिक्षा का मुद्दा मुख्यता रहेगा और कटनी नगर को सुधारने जो सुंदरता होनी चाहिए शहर में वो भी रहेगा मुख्यता रूप से। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज रहेंगे। तो हम लोगों ने काम किए, विकास के काम उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, उन्हीं काम को लेके जनता के बीच में आशीर्वाद देने फिर से जा रहे हैं और जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करने के लिए भी जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। जनता का चुनाव लड़कर जीते और जीतने के बाद क्षेत्र में सबसे पहला जो भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है उसे ख़त्म करें। दूसरा, शिक्षा से वंचित हैं हमारे लोग, सारे के सारे स्कूल जितने हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, मिडिल हो, हाई हो, किसी भी विषय के वहाँ शिक्षक नहीं।